सत श्री अकाल जी। प्राइम रिकॉर्डिंग वीडियो टूडे चैनल पर तुहाडा स्वागत करते हाँ। मैं राजा धालीवाल। जिवें कि कहा जाता है खूनदान महानदान, इस नारे नूं बुलंद करते हुए पिंड झंडेवाला जिला मोगा विच शहीद भगत सिंह सोसायटी वालों 6वां खूनदान कैंप लगाया जा रहा है। यह खूनदान कैंप डेरा पट्टियाणा झंडेवाला विच लगाया जाता है, जिथे कि 6वां खूनदान कैंप आओ तुहानूं गलबात करवाउंदे हाँ क्लब के मैंबरां नाल। तुसीं देख रहे हो डॉक्टरों की टीम आई हुई है मोगा सिविल हॉस्पिटल तो। नौजवान खूनदान कर रहे हैं, उन्होंने क्लब वालों सम्मान किया जा रहा। उधर देखो कोई भी नौजवान जिहड़ा भी खूनदान करता है उन्होंने सम्मानित किया जाता है। मन पावे पत सो जावे, जन के मन पावे पत सो जावे। आगे तू ना लागे आगे तू नहीं कहना मन में रहना, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना। आपे जाने जानो, आपे जाने जानो। हरण मुण सा सूर्य हक चढ़ंग खड़ंग चले मुख ढालन को धज के कन में कलवार सवाल हकार मुराद में धाए पड़े खट के दल मार इंतजार दयो कल में कर पावे सच्ची बाणो हरण मोण सा सज के मन पावे पत सो जावे, सज के मन पावे पत सो जावे। आगे तू ना लागे
हाँ जी आओ एक नौजवान ना गल करते हैं जेडे कि हुने हुने खूनदान करके हटे हैं भाई। सत श्रीकाल जी, की नाम है तुहाडा? सुचैन सिंह जी। तुसीं किन्नी वारी खूनदान कर चुके? 7 वारी कीता जी सर। किवें महसूस हुंदा पिया? बहुत वधिया जी। सर्टिफिकेट भी दिता, सम्मान भी कीता? हाँ जी। नौजवानों नूं की संदेश देना चाहुंदे? मैं कहना जी, वध तों वध ब्लड देना चाहिए, वध तों वध खूनदान करना चाहिए जी। खुशी हुई? हाँ जी, वध। कोई घबराहट तां नहीं हो रही? नहीं नहीं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच भाई। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। प्राइम रिकॉर्डिंग वीडियो टूडे चैनल ते तुहाडा स्वागत करते हैं जी। अच्छा, तुसीं ब्लड दान करके हटे अज? हाँ जी, हाँ जी, ब्लड दान करके हटे। किन्नी वार दे के हटे? असीं 6 वार दे के हटे जी। की महसूस करदे ने? महसूस बहुत वधिया जी। इहदे च आए हैं भी जे बंदे नूं कोई जरूरत पैंदी आ, कोई एक्सीडेंट हुंदा जां सरकारी हस्पताल दे विच लोड पैंदी आ, ते जे उत्थे ब्लड होऊगा तां ही दे सकणगे ना सरकारी हस्पताल वाले भी। जिस तरह करोना दे विच भी असीं कैंप तां असीं नहीं ला सके सीगे साडी सैटी, ते पर असी फिर भी उत्थे परमिशन लै के 25 यूनिट असी उत्थे हस्पताल दे विच दे के आए सीगे, क्योंकि करोना दे विच बहुत ज़्यादा जरूरत सीगी, खून की घाट पै गई सीगी, ते उहनू जिन्ना क असी योगदान पा सकीए सैटी उन्ना क पाया सी जी। ठीक है जी। नौजवानों नूं की संदेश देना चाहुंदे? नौजवानों नूं यही संदेश आ भी जे आपां इह कार्ज, सब तो वड्डा कार्ज आ इह जिहड़ा कि आपां आप खुद दे सकदे आ। एक अपना खून दे तुमके नाल किसी दी जान बच सकती आ, ते जे कदी आपां जान बचा सकदे ते इहदों वड्डा कोई दान है नहीं का। हाँ, कई लोग डरदे आ ना ब्लड दान तो भी खून देता तां पता नहीं की हो जाऊगा, जां तुहानूं प्रॉब्लम आ जाऊ जां बीमार हो जाएंगे, उन्हां नूं की कहना चाहुंदे सी? नहीं जी, कोई इहो जी कोई प्रॉब्लम नहीं गी। असीं तकरीबन जदों कदी साडी आपदी एज सुरत समझी आ संभली आ, मैं उदों तों खून दान कर रहा जी। अज मैं 44-45 साल दी उम्र हो गई आ, कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी कि कोई इह तां। किन्नी वार खून दान कर चुके? उस तरह तो जदों का क्लब बनया हर साल करते हैं, तो इस तो हाँ इस तो इलावा भी असं जो भी खूनदान करते आ ही रहे हैं, जो मान के चलो भी 14-15 साल की उम्र तो लैके खूनदान कर ही रहे हैं असं। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ भाई, तुम कहने भी मेरे खूनदान किया? मैं तकरीबन देता होगा 22-23 बार जी।
ਇਸੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਕਲੱਬ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀ ਜੀ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਉਮੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਅੱਛਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਜੀ 10 ਕੁ ਵਾਰੀ ਦਸਵੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜੀ ਦਾਨ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਸੰਧੂ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਬਲੱਡ ਟੀਮ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਝੰਡੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 56 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੋਨਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਖੂਨਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਂਦਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟ ਕੋਸਟ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਕੈਨ ਸੇਵ ਲਾਈਫ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਝੰਡੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਭੱਟੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੂਨਦਾਨ 6ਵਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੈਂਪ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਝੰਡੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ ਬਲੱਡ ਅਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ 6ਵਾਂ ਕੈਂਪ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ 6ਵਾਂ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਝੰਡੇਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੜਿਆ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਆ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਭੱਟੀਆਣਾ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੰਡਿਆਣੇ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬੋਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਆ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਔਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਝੰਡੇਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਭੱਟੀਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੋਕਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ
उन्होंने रहनुमाई के हेठ अज जो छेवां खूनदान कैंप लाया गया है उसका उद्घाटन करने वास्ते बहुत ही सत्कारयोग समाध भाई नानकसर के मुख सेवादार बाबा कुलवंत सिंह जी भी इत्थे पहुँचे सी। असीं सारी संगत वल उन्हां नूं बहुत बहुत जीआं आखदे हां। बाकी जिन्हें भी खूनदान करन वास्ते सेवादार पहुँचे उन्हां नूं सारिआं नूं संगत वल्लों नगर झंडे वल्लों जी आयां नूं, डेरे वल्लों सारे स्टाफ नूं जी आयां नूं अज बहुत ही खुशी का दिन है कि शहीद भगत सिंह ब्लड डोनेशन क्लब पिंड झंडेवाला जिला मोगा विखे एक छेवां खूनदान कैंप का आयोजन किया गया है। इस क्लब के प्रधान सरदार बलजिंदर सिंह जी, सरदार जसविंदर सिंह जी हेर बहुत ही वधाई दे पात्र है कि अत की सर्दी के भी इन नौजवानों ने तहैया किया है कि जिहड़ा खूनदान करके बहुत सारिया जाना बचाया जा सकता है। खून एक अजिही चीज़ है जिहड़ी किसी फैक्ट्री में नहीं बनती। खून जिहड़ा है वह मनुख के शरीर में ही बनता है तो मनुख के शरीर तो ही दूसरे मनुख को दिता जाता है। कोई भी मनुख तंदुरुस्त जो 18 तो 60 साल की उम्र का मनुख जो है वह खूनदान कर सकता है। इस खूनदान करना किसी भी तरह की कोई भी शरीर के कमजोरी नहीं आती हैगी है। खूनदान करना एक बहुत जरूरी है क्योंकि पहला भी दसाया कि खून जिहड़ा हैगा कितें नहीं पैदा हुंदा हैगा, खून मनुख के खून तो ही पैदा हुंदा है। मैं बहुत धन्यवाद करदा हाँ इस संस्था का जिन्होंने कि इस सर्दी के मौसम में तहैया किया है। बहुत वड्डा फंक्शन इतने होर भी एक ऑर्गनाइज़ किया गया है नाल इन्हां दे पिंड दा एक सांझा जिहड़ा लोहड़ी का समागम हुंदा है उस समागम ते इन्होंने ये जिहड़ा हैगा कैंप का आयोजन करके बहुत वड्डा उपराला किया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के भी जी संस्था हैगी जे प्रोग्राम उलीकती रहेगी तो जी लोगों के सहयोग के नाल बहुत सारिया जाइया जाना बचाया जा सकता। धन्यवाद। अज असी पिंड झंडियाणा विखे पहुँचे हैं क्योंकि इतने शहीद भगत सिंह ब्लड डोनर क्लब वालों हर साल की तरह कैंप लाया जाता है। अज भी इन्होंने ब्लड का कैंप लाया क्योंकि ब्लड इस तरह की चीज़ है कि जिहड़ी मतलब किसी भी फैक्ट्री नहीं बनता क्योंकि ब्लड एक इंसान तो ही दिता जाता है क्योंकि जिहड़ा ब्लड है एक हर 3 महीने बाद इंसान दे सकता क्योंकि जिहड़ी प्रधान जी ने कि पहला दस्सिया भी 60 तो करीबन 18 साल तो 60 साल की उम्र तक ये ब्लड दिता जाता क्योंकि ब्लड देने ना कोई भी कमजोरी नहीं आती क्योंकि जिहड़ी साडी जान है एक तो सानू इहदा बेनीफिट ये होंदा कि असी अज एक ब्लड डोनेट दिता तो साडे इहदे विच सारे टैसट हो जाने हैं क्योंकि जिहड़े साडे शरीर दे विच हुंदे आ उहदे नाल कोई घबराउणा नहीं चाहिए। ब्लड देने तो कदे नहीं डरना चाहिए। मैं आप 32 बार ब्लड अज तक डोनेट कर चुके हैं पर मतलब जे अं ब्लड देंदे रहेंगे तो लोगों की जान बचाई जा सकती है क्योंकि ब्लड है सिविल होस्पिटल के तुम दोगे तो जोड़ा ब्लड है कोई अनाया नहीं जाऊगा। क्यों नहीं जाऊगा? क्योंकि डिलीवरी केस में उत्थे ब्लड फ्री है, रोड एक्सीडेंट में ब्लड उत्थे फ्री है, जिहड़ा सिविल होस्पिटल के दाखिल पेशेंट है उन्होंने उन्होंने फ्री देना जी, जिहड़ा प्राइवेट के उन्होंने फीस लेनी है। इस करके मैं बेनती करूँगा साडी नौजवान पीढ़ी नूं वी नशिया तो बचो तो इहो जिहियां संस्थां नाल जुड़ो, जुड़ के तो ब्लड दिओ। जसविंदर सिंह जी हेर इन्हां दा हर साल ही उपराला हुंदा वी तकरीबन इन्ना क ब्लड दिता जा सके। मैं जसविंदर सिंह हेर जी पहला मैं ब्लाक प्रधान रहा हूँ, ब्लाक का चेयरमैन हाँ। तो असी क्लब 2014 शुरू किया जी, तो तकरीबन असी 6 बंदे सीगे जो शुरू किया, पर अज महाराज की कृपा ना साढ़े 150 तो प्लस नौजवान जुड़ गया क्योंकि वेख के सेवा वेख के वाकई ये मनुखता ही सेवा है जी, एदू वड्डा पुन्न नहीं हो सकता कोई। तो असी ये कैंप डेरा भट्टियाणा विखे लगाने जी, हर साल पहला असी अड्डे से लगाते हम डेरा भट्टियाणा विखे लगाने, हर साल की तरह 6वां साडा खूनदान कैंप आ। तो नौजवान बहुत वध तो वध खूनदान करते जी, हर एक नूं पता लग चुका है कि इस तो वड्डा कोई दान नहीं हो सकता। तो असी सारे नौजवानों का तो बाहरों आई NGO टीमों का तो सिविल होस्पिटल टीम आई का सारे का बहुत बहुत साड़ी सारी टीम वालों धन्यवाद करते हैं। साड़ी क्लब की एक मुढ़ो ही लिखत की सी जे किसी गरीब नूं लोड़ आ किते भी तो असी पल्लो खर्चा करके दिने, जे किसी अमीर लोग नूं लोड़ आ तो उन्होंने असी यूनिटा दे दिने भी बंदे नौजवान लै जा तो यूनिटा दी लै लो तो नौजवान पिंड वापस कर लो। तो होर जे गरीब गुरब नूं लोड़ आ मेडिकल की वह भी सुविधा जिनी योग करवा दें जी।